हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं, ये बथुआ होता है ना, बथुआ है ये, और बथुआ और सरसों का साग। यहाँ पे हम बथुआ ले लिए हैं और यहाँ पे हम सरसों का साग को क्या किए हैं कि छोटा छोटा काट कर और ले लिए हैं, एकदम इस तरह से काट कर ले लिए और इसको अच्छे से धो लिए हैं। और धोने के बाद इसको हम एक पतीला में डाल के चूल्हा पे चढ़ा के आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनता है ये। हम पतीला में बना रहे हैं, आप चाहे तो कुकर में भी डालकर सीटी लगा सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको इसी में डाल रहे हैं। इसको कुछ इसमें कुछ नहीं डालना है, ना पानी देना है, ना इसमें पानी देना है, ना इसमें कोई हमको मसाला नमक कुछ नहीं देना, सिर्फ इसको इसमें डालकर हमको उबाल के अलग कर लेना है। हम सरसों डाल दिए हैं, अब इसी जगह पे इसमें हम बथुआ डालेंगे। बथुआ इसलिए देते हैं कि सरसों थोड़ा हार्ड होता है, तो खाली बनाने से ना वो उतना गलता नहीं अच्छे से, तो बथुआ बहुत आसान से इसको गला देता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा बथुआ दिए हैं। 250 ग्राम बथुआ है और 1 किलो मेरा सरसों का साग है। और इसको हम उबाल कर इसमें इसको ढककर चूल्हे पे हम चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम चूल्हे पे इसको डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको क्या करेंगे, गैस को एकदम लो रखेंगे, क्योंकि इसका जो पानी छूटेगा ना साग का, साग के पानी से ही ये गलेगा, तो हमको कोई इसमें पानी नहीं देना, कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये उबल जाएगा, तो इसी में इसका जो पानी होगा इसी में हमको इसको अच्छे से मिलाकर सुखा देना है। अब इसको हम ढक दे रहे हैं, इसको हम ढक दिए, ढक कर इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, देखिए बिना पानी का इसमें पानी भी छूट गया है और ये गल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुकर में हम 2 से 3 सीटी कुकर में लगा के इसको हम उबालेंगे, और ताकि ये अच्छे से गल जाए। आप इसमें भी कर सकते हैं, पतीला में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुकर में लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको क्या करेंगे, कुकर में डालकर हम 2 से 3 सीटी हम इसको लगाएंगे अभी। तो यहाँ हम कुकर में इसको डालकर ये कर लिए थे और ये बहुत अच्छे से ये गल गया है, देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुका है, ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं। और इसको हमें इस तरह से कलछुल से इस तरह से हम मैश करके मिक्स कर लेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत ये मिलाने के बाद जो पानी रहेगा ना उसके उसको हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर कर, अभी गैस मेरा ऑफ है, गैस ऑन करके इसको सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम पीसेंगे थोड़ा, इसको इस तरह से हम मिक्स कर लिए। इसमें जो हल्का हल्का पानी है ना, ये हल्का हल्का इसी को हम इसको सुखा देंगे गैस ऑन कर कर। यहाँ देख सकते हैं ये साग मेरा बहुत अच्छे से बन गया है, और ये हल्का मोटा है, तो गांव तो है नहीं जो सिलबट्टा रहेगा, और सिलबट्टा ऐसे मेरे पास नहीं, तो इसको हम आपको मिक्सी में एक महीन पेस्ट बनाकर एकदम ये करके आपको हम दिखाते हैं। इसको हम मिक्सी जार में इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको हम पीस लिए हैं, देखिए कितना अच्छा है, ये कोई गीला नहीं है, ये कितना अच्छा से ये पीस चुका है। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा से ये मेरा साग बन गया है, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, कहीं से भी कोई गीला नहीं है, क्योंकि इसको हम पहले इसका सारा पानी सुखा दिए थे। और इसमें अभी हम डालेंगे ये कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, इसमें अदरक भी आप डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है, इसमें हम बाद में अदरक काट के डालेंगे। और यहाँ पे हम तेल दे रहे हैं, सरसों का तेल, कच्चा देना है, पका के नहीं देना है, गरम करके नहीं देना। 2 चम्मच इसमें हम तेल दे दिए, अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें नमक। इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक दे सकते हैं। इस सभी को मिक्स कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। अब साग वाग जो मिलता है ना, सब ठंड के मौसम में ही मिलता है, तो अच्छा लगता है खाने में। इसको चावल के साथ आप खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इसको, मतलब पूरी उड़ी के साथ तो नहीं अच्छा लगेगा, रोटी चावल के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आप इसको इस तरह से बनाइए और खाइए, और कमेंट कर बताइए कि कैसा ये बना है। ये हम लोग के घर पर ऐसा ही बनता है, हम लोग के घर पे तो सिलबट्टा है, तो सिलबट्टा पे इसको पीस लिया जाता है, लेकिन शहर में तो सिलबट्टा आता नहीं है, तो हम लोग मिक्सी में ही हम इसको पीसे हैं। और देखिए कितना अच्छा ये बना है, कहीं से भी कोई गीला नहीं, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हरा है,
तो कमेंट कर बताइए कि कैसा। देखिए इसमें सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।